सुघर बगीचा। सुघर बगीचा मतलब खूबसूरत बगीचा। स्माइल, यू आर इन साइट ऑफ हिडन सीसीटीवी कैमरा। ओ, यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं इस जगह को विजिट करने के लिए, क्योंकि ये जगह है ही बहुत खूबसूरत। तो ये है राजपुरी फॉल। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंजना व्लॉग में आप सबका स्वागत है। एंड जैसा मैं आप लोग को घर जाते टाइम बताई थी, राजपुरी वाटरफॉल आप लोग को दूर से दिखाई थी, तो फाइनली आज मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ आप लोग के सामने राजपुरी वाटरफॉल और राजपुरी जलप्रपात। तो मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट स्पॉट पर हम लोग पहुँच गए हैं और मैं आप लोग को दिखाती हूँ यहाँ का सीन कैसा है। सो ये मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं वो बोर्ड लगा हुआ है, जूम करके दिखाती हूँ आप लोग को। तो ये है राजपुरी फॉल, बोर्ड लगा है और ये अपन को उधर से जाना है। ये इधर लेफ्ट साइड पे जो सीढ़ी दिख रही है उधर से ऊपर चढ़ते हैं और पानी का शोर आप लोग को सुनाई दे ही रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों, और यहाँ पे टेंपल वगैरह भी जिनको पूजा वगैरह करनी है वो लोग कर सकते हैं। तो वो मंदिर आप लोग को दिख रहा है, एक और मंदिर है वो ऊपर पर है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं इस जगह को विज़िट करने के लिए, क्योंकि ये जगह है ही बहुत खूबसूरत। और मैं आप लोग को अभी ले चलती हूँ मंदिर पे, अब पता नहीं आप लोग को दिखेगा या नहीं। सबसे ऊपर वो चोटी पे आप लोग को दिख रहा है ना वाइट वाइट, शायद ही क्लियर होगा। वो झाड़ वाड़ा ना उससे छुप गया है, जो ये रॉक आप लोग को दिख रहा है उसके जस्ट बगल में इधर पे ये वाला। तो अपन अभी आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। सावधान, इस जलप्रपात के किनारे में ऊंचे जगह पर भ्रमण करना दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र है तथा इसी कारण से दिसंबर 2021 तक 14 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, आसपास भ्रमण करना मना है। बस आप कह सकते हैं कि ये एक डेंजर प्लेस भी है और है ही, स्लिपरी चांसेस हैं ऐसी जगह पे। तो बहुत ऊंचाई से पानी बह रहा है, अगर थोड़ी सी भी असावधानी अगर बरती गई, सावधानी नहीं बरती जाएगी तो भी उसकी बात है कि इसकी बात है ऐसे इंसिडेंस होने की। तो मैं आप लोग को भी ले चलती हूँ इधर पे, देखिए विजिट करने के लिए आए हैं। तो अभी मैं बाहर बाहर का सीन आप लोग को एक बार दिखाती हूँ, फिर अपन सीधे वहाँ जाएंगे जहाँ मैंने सीढ़ी दिखाया था, उधर से अपन लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये इधर पे, ये जैसे आप एंट्री करेंगे तो मेरे चारों ओर बाहर का ये व्यू है। तो कुछ ऐसा है, क्या लिखा है, सामुदायिक भवन नगर पंचायत बगीचा। मैं आप लोग को बता दूँ जो राजपुरी वाटरफॉल है ये बगीचा में स्थित है, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं और ये ऐसा है, ऐसा कुछ बनना है इधर। फिर बाहर की तरफ एक छोटा सा सीढ़ी है, अगर जिसको पास में जाने से डर लगता हो तो वो बाहर से मतलब आउटर व्यू ले सकता है, तो उसके लिए सीढ़ी बनी हुई है। तो मैं आप लोग को वहाँ ले चलूँ। ये है, ये सीढ़ी है, क्योंकि किसी किसी को फोबिया होता है ना हाइट से, किसी को डर लगता है और पानी वगैरह से किसी को डर लगता है, तो वो लोग दूर से मतलब एंजॉय कर सकते हैं ये प्लेस। तो ये अपन पूरे ऊपर पे आ गए हैं, तो ऐसे यहाँ से बिल्कुल एकदम फ्रंट व्यू है, यहाँ से आप ले सकते हैं नज़ारे का आनंद उठा सकते हैं। ये देखिए ऐसा है, और मैंने जो सीढ़ी बताया था वो सीढ़ी वहाँ से गई है, जो सेल्फी वगैरह ले रहे हैं तो वहाँ से अपन लोग को ऊपर चढ़ना है, तो वहाँ तक जाते हैं अपन लोग। और तो ये ऐसा है यहाँ का, मैं एक बार ऊपर से आप लोग को चारों का सीन दिखाती हूँ। और उस तरफ सीढ़ी के उधर ऊपर जाएंगे तो वहाँ से भी मैं आप लोग को एक बार नीचे का पूरा व्यू दिखा दूँगी। और अभी यहाँ का मैं आपको से कुछ ऐसा भी है, देखिए एकदम चारों ओर जंगल है, ये आप देख सकते हैं।
ऊपर से पानी इधर पूरा नीचे बह रहा है, पूरा उधर आगे गांव है तो उधर पे ये पानी आगे की ओर जा रहा है, तो ये ऐसा है। नीचे चल रहे हैं और मैं आप लोगों को उस वाले सीढ़ी से पूरा ले जाऊंगी, और ये जो पानी उधर से नीचे की ओर जा रहा है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किधर जा रहा है। ये ऐसा कुछ है, ये पूरा आगे उधर नीचे की ओर गया है, और उधर आप जाएंगे तो उधर गांव वगैरह है, तो पानी सब उधर वो लोग यूज करते हैं अपना डेली रूटीन के लिए जो भी है। वाह, ये फूल बड़ा अच्छा लग रहा है, ये क्या चीज का पेड़ है पता नहीं मुझे, नो आइडिया। सो अपन अभी उधर जाएंगे। ये यहाँ लिखा है सुग्घर बगीचा। सुग्घर बगीचा मतलब खूबसूरत बगीचा, रियल में है, बहुत ही अच्छा प्लेस है। तो ये और ये मंदिर है जो मैं ऊपर से आप लोग को दिखाई थी। फिर ये इधर सीढ़ी गई, इधर एक और सीढ़ी है, जो नज़दीक से इसका आनंद लेना चाहते हैं रजपुरी का तो वो लोग इधर से भी आ सकते हैं। हम आपको तीनों साइड से लेके चल रहे हैं। तो ये है, वाओ, ये देखिए दोस्तों, और ये मंदिर है, यहाँ पे श्रद्धालु जो भी यहाँ पे रजपुरी आते हैं, जो भी श्रद्धालु हैं वो लोग आते हैं अपना पूजा वगैरह यहाँ करते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है कि एक दिन से दो निशाने वाली बात, यहाँ पे सुंदरता का आनंद ले लो, भगवान जी को भी नमन कर लो, तो ये बहुत अच्छी बात है। करके डालना ये
था राजपुरी जलप्रपात, तो ये कुछ सीन था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, घर के लिए निकलते हैं, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगा और धूप में फिर अच्छा भी नहीं लगता। हम लोग पास टाइम था तो मैंने सोचा कि हमेशा मैं राजपुरी जलप्रपात करती हूँ, आज मैं आप लोग को दिखाई दूँ, वरना आप लोग बोलेंगे कि बस ये बोलती दिखाती नहीं है। तो ये कुछ सीन था। तो अभी हम लोग निकलते हैं घर के लिए और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वाटरफॉल आप लोग को कैसा लगा और वीडियो पसंद आया। दिनों के बाद आकर के हम बहुत ही मजा। हाँ, और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि मैं आप लोग के सामने एक नेचर व्लॉग लाऊंगी। हाँ, रियली में बहुत ही अच्छा है जो यहाँ अगर मौका मिलता है तो आप जरूर आइएगा। यहाँ बगीचा के नियर है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ आप पिकनिक मना सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं, पूरा एंजॉय कर सकते हैं, नो रोक टोक, फुल टॉस एंजॉय कर सकते हैं। तो अब अपन लोग जा रहे हैं एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले नंबर पर मिले। सो अब हम लोग एग्जिट पॉइंट पे आ गए हैं, तो चलते हैं। आज के ब्लॉग में इतना ही रहेगा। सो टाटा बाय बाय सबको एंड सी यू सून, बहुत जल्द आप लोग से मिलने वाले हैं विद न्यू कॉन्टेंट। सो बाय, टेक केयर। फुल मजा आया, मजा आ गया। आपको छोड़ देते हैं नहीं पे। स्माइल, यू आर इन साइट ऑफ हिडन सीसीटीवी कैमरा। ओह।